नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब बीजेपी और खासकर एनडीए बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी है। बीजेपी एक पहलू नहीं छोड़ना चाहती है, एक कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है बिहार में, बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को। अब ऐसे में बता दें तो बीजेपी लगातार अलग अलग फैसले ले रही है, अपने पार्टी में तमाम बदलाव हो रहे हैं। इस बदलाव की अगर बात करें तो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बारी है, उनके ऊपर संकट मंडरा रहा है। संकट ये कि या तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी चुननी होगी या तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद, दोनों को एक साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। या तो बिहार के का डिप्टी सीएम बनकर के उन्हें रहना होगा या तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनकर। 2024 के लोकसभा चुनाव का समाप्त हो चुका है और बिहार में 40 सीटों में से 30 पर एनडीए की जीत हुई है। लोकसभा चुनाव समाप्त और नतीजे आने के बाद बिहार बीजेपी अब अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। इस बीच खबर है कि बिहार बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी है। बीजेपी में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, ऐसे में नजर अब सम्राट चौधरी पर है। फिलहाल सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी है और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ था। बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी। उस समय बीजेपी के सामने जदयू और आरजेडी के एक साथ लड़ने की चुनौती सामने आ गई थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले साल मार्च में सम्राट चौधरी के हाथों में प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी देकर बड़े कुशवाहा समुदाय को खुश करने की कोशिश की। सम्राट चौधरी के जरिए बीजेपी की नजर कोयरी और कुर्मी वोट बैंक साधने की थी। इसी बीच प्रदेश की सियासत का गणित बदला और नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आ गए, एनडीए की सरकार बनी और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के में बीजेपी संगठन में बदलाव कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, लेकिन चुनाव के बाद अब बड़े बदलाव की तैयारी है। देखा जाए तो आरजेडी जहां कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने को देख रही है। सूत्रों के अनुसार बीजेपी सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बदलने पर भी विचार किया जा रहा है। ऐसे में कई नाम चर्चा में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सम्राट चौधरी को ही अध्यक्ष बनाए रखकर उप मुख्यमंत्री पद पर बदलाव कर सकती है। हालांकि अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सूत्रों का यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीद से बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिलने के बाद ये साफ है कि बीजेपी अगले साल होने वाले चुनाव के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। ऐसे में अगर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको बता दें कि अभी जो है बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के जो है धारणा पे चलती है। अब ऐसे में सम्राट चौधरी पर नजर है क्योंकि उनके हाथों में एक तो उप मुख्यमंत्री का पद है, तो वही दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का भी पद जो है उनके हाथों में है। अब ऐसे में बीजेपी क्या फैसला लेगी, या तो उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा और या तो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाएगा। हालांकि बीजेपी की सूत्रों की माने तो बीजेपी लगातार जो है नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश में जुटी हुई है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी नहीं हटना चाहते हैं। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।